सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। बिहार में आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद फिर से बड़े पैमाने पर डीएसपी का तबादला किया गया है। दरअसल इसको लेकर बता दें आपको कि गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पंकज कुमार, जो पुलिस उपाधीक्षक रेल मुजफ्फरपुर थे, उन्हें ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली नवादा बना दिया गया है। वहीं दूसरे नाम की बात करें तो सत्येंद्र कुमार सिंह, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंझौल बेगूसराय हैं, उन्हें ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया मोतिहारी बना दिया गया है। नंदजी प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना, उन्हें ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामनगर बगहा बना दिया गया है। वहीं अगले नाम की बात करें तो वो है प्रांजल, जो पुलिस उपाधीक्षक थे, उन्हें अब ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज बना दिया गया है। सियाराम यादव समस्तीपुर जो थे, वो पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्य बल बिहार पटना, उनकी ट्रांसफर करके उन्हें अब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतुहा पटना बना दिया गया है। वहीं अगले नाम की बात करें तो कमलेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक पटना, उन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीमचक बथानी गया बना दिया गया है। राजीव कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना, इनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है और इन्हें अब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जहानाबाद का कार्यभार सौंपा गया है। सोनल कुमारी, पुलिस उपाधीक्षक मध्य निषेध विभाग बिहार पटना, को ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिलसंड सीतामढ़ी बना दिया गया है। सौरभ सुमन, पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआ वैशाली, इन्हें बना दिया गया है। प्रतीश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक प्रशासन, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय बेगूसराय क्षेत्र के जो थे, उन्हें भी पदस्थापित करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महनार वैशाली बना दिया गया है। नरेश पासवान, पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना थे, उन्हें अब पदस्थापित करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ोड़ा सारण बना दिया गया है। कुमारी दुर्गा शक्ति की बात करें तो इन्हें ये पुलिस उपाधीक्षक थी, जिन्हें अब ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास मधुबनी बना दिया गया है। गौतम कुमार की बात करें तो ये पुलिस उपाधीक्षक पटना थे, इन्हें भी ट्रांसफर कर दिया गया है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज बनाया गया है। श्याम किशोर रंजन की बात करें तो ये पुलिस उपाधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थे, इनकी ट्रांसफर करके इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंझोल बेगूसराय बनाया गया है। संजय कुमार पांडे, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर थे, इनकी ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर समस्तीपुर बनाया गया है। अनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय नवादा थे, इनकी ट्रांसफर करके इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवहर बनाया गया है। नेहा कुमारी, पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना थी, इनका भी ट्रांसफर करके इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी मधुबनी बनाया गया है। अनुराग कुमार, पुलिस उपाधीक्षक परिवक्ष्यमान भोजपुर थे, इन्हें ट्रांसफर करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ गोपालगंज बनाया गया है। संजीव कुमार, इन्हें ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज थे, इन्हें ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी सेवाएं एवं वेतन टू बिहार पटना बनाया गया है। राजेश कुमार मांझी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फतुहा पटना थे, इन्हें ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जमालपुर बनाया गया है। विनय कुमार शर्मा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीमचक बथानी गया थे, इन्हें भी ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस मुख्यालय पटना बनाया गया है। अशोक कुमार पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जहानाबाद थे, इन्हें ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली ERSS बिहार पटना बनाया गया है। संजय कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलसंड सीतामढ़ी थे, इन्हें ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक यातायात कार्यालय बिहार पटना का पदभार सौंपा गया है। पूनम केसरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआ वैशाली थी, इन्हें भी ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली ERSS बिहार पटना बनाया गया है। सुरेंद्र कुमार पंजियार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महनार वैशाली थे, इन्हें भी ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बेगूसराय बनाया गया है। इंद्रजीत बैठा, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मढ़ौड़ा सारण थे, इनकी ट्रांसफर करके इन्हें पुलिस उपाधीक्षक सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर बनाया गया है। प्रभात कुमार शर्मा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास मधुबनी थे, जिनका ट्रांसफर करके उन्हें पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बोधगया का पदभार सौंपा गया है। अनवर जावेद अंसारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशनगंज थे, जिन्हें ट्रांसफर करके पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बोधगया बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह, जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी मधुबनी थे, इनका भी ट्रांसफर किया गया और इन्हें पुलिस उपाधीक्षक
अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा बनाया गया है। माताब आलम जो पुलिस उपाधीक्षक विशेष कार्य बल बिहार पटना थे, इन्हें भी ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर करके इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया बनाया गया है। यानी कि पुलिस महकमे में भारी तबादला किया जा रहा है। बीते दिनों भी बिहार सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस का ट्रांसफर किया गया था। आज भी तीन आईपीएस जो 2019 बैच के थे उनका ट्रांसफर किया गया और फिर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया गया था और अभी डीएसपी और एसडीपीओ का भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।